रेवाड़ी जिले के गांव सहारनावास के किसान परिवार की बेटी आकांक्षा का राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली नासा की परीक्षा में एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री के तौर पर चयन हुआ है, जो न केवल प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गौरव की बात है। आकांक्षा 23 जुलाई को पहली बार अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना संजोए नासा जाएगी और आगे की प्रक्रिया के लिए नासा में होने वाली अहम बैठक में हिस्सा लेगी। आकांक्षा का बचपन से अंतरिक्ष यात्री बनने का एक सपना था, जिसके लिए उसने 7वीं कक्षा के बाद करनाल के टैगोर स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। जिस स्कूल से कल्पना चावला ने शिक्षा ग्रहण कर अपने अंतरिक्ष में जाने का सपना पूरा किया था। 12वीं के बाद उसने नासा में होने वाली राष्ट्रीय स्तर की एस्ट्रोनॉट परीक्षा पास की, जिसके बाद इस पद के लिए वह चयनित हुई। आजाद टीवी न्यूज के लिए रेवाड़ी से अजय सागर अतिरिक्त रिपोर्ट। एक्चुअली मेरा ड्रीम है एस्ट्रोनॉट बनने का, तो स्टार्टिंग से मेरा स्पेस में इंटरेस्ट है। तो हमें पता चला था करनाल में टैगोर बाल निकेतन स्कूल है, जिसमें कल्पना चावला पढ़ी थी। तो उसके पहले ये था कि उसमें उसी स्कूल से बच्चों का सिलेक्शन होता था यूनाइटेड स्पेस स्कूल के लिए, और ये नासा में ऑर्गेनाइज होता है। तो 7th क्लास से मैंने वहाँ पर स्टडी करना शुरू किया था हॉस्टल में। उसके बाद मेरा प्लस टू में मीन्स मेरा यहाँ पे मैंने वो सब एडमिशन के लिए एप्लीकेशन वगैरह करा यूनाइटेड स्पेस स्कूल के लिए। पूरा टेस्ट वगैरह होता है, इसमें प्रोजेक्ट बनाया पहले मैंने, और फिर उस प्रोजेक्ट के लिए फिर हमारे इंटरव्यूज़ वगैरह हुए। फर्स्ट लेवल इंटरव्यू, सेकंड लेवल इंटरव्यू स्काइप का था, और फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ इसके लिए। और वैसे ही अब नेशनल लेवल पे है, और भी स्कूल्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस बार 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, एक मेरा है और एक दिल्ली से एक लड़का है भावेश श्रीवास्तव, उनका हुआ है। सर इसका कोई मीन्स ये है कि सबका ही सपोर्ट है, मेन तो है पेरेंट्स का सपोर्ट है। उनके अलावा मीन्स अगर वो सपोर्ट ना करे तो बच्चा पढ़ नहीं पाता, तो पेरेंट्स का सपोर्ट मस्ट है। और टीचर्स वगैरह सब बहुत सपोर्टिव मुझे मिले हैं। तो ऐसा है कि सबके मेल जोल से ही कोई भी चीज़ पूरी होती है, वो सबके थ्रू ही होती है। बहुत खुशी है जी, इसका मकसद ही पूरा हो रहा है। 7 साल से इसके लिए पढ़ाई कर रही थी और घर से दूर रह के, और ये तो मतलब बहुत बड़ी कामयाबी है मेरे लिए। बहुत कम बच्चों को ऐसा मौका मिलता है, ऐसा चांस मिलता है, आपके बच्चों को ये चांस मिला। दूसरे बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस प्रकार आपने इसको प्रेरित किया? इसको प्रेरित तो इसने ही हमें किया। जैसे इसका मकसद था, जैसे बचपन में पूछा इसके टीचरों ने क्या बनना चाहते, कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर, उसने कहा एस्ट्रोनॉट। तो टीचर को पता नहीं एस्ट्रोनॉट क्या होता है, तो हमें भी पता नहीं था उस बारे में, इतना पढ़े लिखे नहीं है। तो हमने पता किया भाई एस्ट्रोनॉट तो जैसे कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाती है, उसको अंतरिक्ष यात्री को एस्ट्रोनॉट बोलते हैं।